नमस्कार प्यारे मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर में सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है कार्ब एनाइन। उसकी अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा। पहले तो ये लेक्चर नंबर जो ये चल रहा है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कार्ब एनाइन, तो अपना बेसिक इंट्रोडक्शन चलेगा। तो ये बताओ, पहले तो वॉइस सही आ रही है क्या? कमेंट कीजिएगा एक बार, वॉइस सही है क्या? अपन स्टार्ट करेंगे आज कार्ब एनाइन, उसका मैं आपको रूबरू होना चाहूंगा। उसके बारे में कार्ब एनाइन की स्टोरी क्या होती है जरा ध्यान दीजिएगा। कार्ब एनाइन की स्टोरी के बाद में आपको बताना चाहूंगा। तो ये है मेरे पास कार्ब एनाइन। तो पहले तो वीडियो बिल्कुल सही आ रहा होगा, बिल्कुल मैंने देख लिया है, वीडियो गजब आ रहा होगा। तो अपन बात करेंगे रिएक्शन के दौरान इन्हीं से मुलाकात होगी और कार्बन का नेगेटिव अवतार, इसके बारे में मैं आपसे रूबरू होना चाहूंगा। तो यह लेक्चर आईआईटी जैम और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री और बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर हो रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर सही आ रहे हैं दिलीप जी? इसके अंदर वीडियो क्वालिटी और सभी कुछ सही आ रहा है ना? सही दिख रहा है बिल्कुल, ओके। अक्सर अक्सर दिख रहे हैं वर्ड, जितने भी मैं लाइव परिचर्चा कर रहा हूं इसके अंदर, शेयर कीजिएगा पहले इसको। जितने भी जुड़े हैं वो मैं 20 मिनट का लेक्चर लूंगा ओनली, आज मैं 20 मिनट ही पढ़ाऊंगा आपको, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। जरा ध्यान दीजिएगा, YouTube मार्केट में कोई ऐसा आपको नहीं पढ़ाया होगा, पढ़ाए होंगे तो आप देख सकते हो। तो इसके अंदर अपन कार्ब एनाइन की कहानी समझते हैं। कार्ब एनाइन की कहानी बेसिकली क्या है, तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। तो इसके अंदर कार्ब एनाइन की मैं आपको कहानी सुनाता हूं। पहले इसके अंदर अपने को क्या क्या स्टडी करनी है इसके अंदर, वो मैं आपको रूबरू कराता हूं इससे। तो जरा ध्यान दीजिएगा एक बार, कार्ब एनाइन की मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। कार्ब एनाइन के अपने को क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है जरा ध्यान दीजिएगा एक बार। तो इसके अंदर मैं पहले जो मैं बात करूंगा इसकी, मैं स्टोरी की बात करूंगा। तो स्टोरी क्या है, इसकी कहानी पहले से पढ़ेंगे अपन। बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया था, कार्बो कैटाइन। तो इसके अंदर क्या अपन क्या पहले क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ब एनाइन। दूसरा अपन क्या डिस्कस करेंगे इसमें, दूसरा मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा इसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किसका, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन। तीसरा बेटा अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर फॉर्मेशन के बाद में इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बारे में आपसे रूबरू कराना चाहूंगा। और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे इधर रिएक्शंस, इसकी क्या करेंगे, रिएक्शंस, रिएक्शंस के बारे में अपन रूबरू होंगे। तो ये अपने को इसके अंदर पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है, कार्बन एनाइन के बारे में। तो कार्बन का अपन पढ़ रहे हैं नेगेटिव अवतार, इसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है। पहले पढ़ना है अपने को क्या पढ़ना है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन एनाइन। दूसरा क्या पढ़ना है अपने को, स्टेबिलिटी। तीसरा क्या पढ़ना है, स्टेबिलिटी के बाद अपने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनाइन और रिएक्शन। अब जरा ध्यान दें, इंदरपाल गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग जी इंद्रपाल जी, आप पूरा लेक्चर देखना बहुत बढ़िया, आपके समझ में आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंदर कार्ब एनाइन के अपन कहानी पढ़ रहे हैं। तो कार्बन का नेगेटिव अवतार, कार्ब एनाइन को बोलते हैं कार्ब, हिंदी बोलते हैं कार्ब ऋणायन। तो इसकी कहानी क्या चल रही है, बेसिक इंट्रो। यह लेक्चर फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो नेक्स्ट ईयर इसकी एग्जाम होगी सेकंड ग्रेड लेक्चरर साइंस के अंदर, वहां पे भी एक क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री की स्पेशलिस्ट बात करूं तुम्हें। तो इसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर अपने को क्या क्या डील करना है, उसकी मैंने आपको कहानी बहुत अच्छी तरीके से बताई है जी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अपने को जो अपना जो वी विल डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट टॉपिक बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी अपन बात करेंगे। तो मैं एक बार स्क्रीन शॉट ले लो आप, ऐसे कैसे इसको ऐसे इसको पढ़ना है, इसको तरीके से पढ़ना है, इसका तरीका क्या है, बेसिकली बेसिक ज्ञान होना चाहिए पहले, ऐसे तरीके से अपने को पढ़ना
फंड है। तो रिएक्शन के दौरान आप इन्हीं लोगों से मुलाकात करोगे, कार्बोकेटाइन से, कार्बिन से, नाइट्रिन से, बेंजाइन, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो एक बार स्क्रीन शूट ले लिया होगा आपने। मैं यहाँ 15 मिनट क्लास लूंगा ओनली, 15 से 20 मिनट या 10 मिनट भी हो सकती है। तो सभी के समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट टॉपिक, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसकी मैं कहानी बताता हूं आपको। पहले तो ये थी मेरा कार्ब एनायन की कहानी, अब मैं इसकी कहानी बताता हूं, बेसिक इंट्रोडक्शन की। बेसिकली कहानी क्या है जरा ध्यान दीजिएगा एक बार, बेटा इधर देखना जी। पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ब एनायन, पहला है अपना बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक कमेंट कीजिएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ब एनायन, कार्ब एनायन का बेसिक इंट्रोडक्शन। आईआईटी जैम के लिए बहुत ही लेक्चर मजेदार हो रहा है जी। यहां पे बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, कार्ब एनायन का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आपको कहानी सुनाता हूं। इसकी कहानी क्या है, इसका क्या है, इसका परिचय क्या है, इसका इसका फॉर्मेशन होता है क्या, ये कैसे आया दुनिया के अंदर, इसका जन्म क्यों हुआ, किसका, कार्ब एनायन का, यानी कार्बन के ऊपर ऋण आवेश क्यों आया, उसकी मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे देखो ये क्या है, कार्बन एटम है, और ये कार्बन एटम है, यहाँ पे मैंने लगा दिया लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम, यहाँ पे क्या लगा दिया, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम। सभी ध्यान दीजिएगा, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, जिसकी विद्युत ऋणता कम होनी चाहिए। तो पहले लाइक कर दो इस वीडियो को, पहले तो लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, क्या यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम। अब ये क्या करेगा, इसको शिफ्ट करेगा, एरो क्या होगा इधर, ये शिफ्ट होगा, इसके कारण कार्बन पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और कौन सा विखंडन करना है, विस्मांश विखंडन कर रहा है, विस्मांश विखंडन करना आपको, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करना है, जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर विस्मांश विखंडन। आपको इश्यू आ चुका है जी, अब जरा ध्यान दियो, वी आर लाइव नाउ, अपन लाइव है, तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, रिकनेक्ट हुआ दोबारा। तो मैं कहानी बता रहा था किसकी, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ब एनायन की कहानी क्या चल रही थी अभी तक। तो कहानी के अंदर मैंने अभी तक आप क्या बताया, पहले अपन लेंगे लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम, उसमें कराएंगे अपन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, यानी विस्मांश विखंडन कराएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे विस्मांश विखंडन मैंने क्या बताया था, अब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बताया था, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का होता है, वहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे सी और सी, और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसकी कहानी समझता हूं, जो ये फॉर्मेशन होगा किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन एनायन का फॉर्मेशन होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, चमक रहा होगा दिमाग में, चमका कि नहीं चमका, चमक गया होगा आपके दिमाग में, दोबारा देखना इसको, चमका कि नहीं चमका, चमका कैसे चमका रही, यहाँ पे देखो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या जाएगा, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर चमका नहीं चमका, चमक गया होगा दिमाग में। तो यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे देखो इधर नेगेटिव चार्ज आया, नहीं आया, आया बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहा होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या आया, कार्बन एनायन का फॉर्मेशन हो गया, ये क्या बना मेरे पास, ये मेरे पास बन गया कार्बन एनायन, क्या बन गया बेटा, ये बन गया कार्बन एनायन, बना नहीं बना बेटा, बन गया बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर इसकी कहानी बताता हूं, इसकी कहानी क्या है, ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कौन रे, कार्ब एनायन की कहानी चल रही है, उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं, कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, किसको, कार्ब एनायन को। तो यहाँ पे क्या है इसके पास, अब इसके इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन अपने क्या करना है, काउंट करने, क्या करने, काउंट इलेक्ट्रॉन, काउंट करने, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो दो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दो इलेक्ट्रॉन इसके, टू इलेक्ट्रॉन ए, टू इलेक्ट्रॉन इसके, और टू इलेक्ट्रॉन इसके, और नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए, काउंटिंग करें, टोटल करें, कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये तो स्टेबल है, ऑक्टेट क्या इसका, कंप्लीट है। तो ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज,
ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। क्यों है बेटा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो मैं लिख सकता हूं इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट। इसका क्या है, ऑक्टेट क्या है इसका, ऑक्टेट क्या है इसका, कंप्लीट है। किसका रे, कार्बेनाइन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, और क्या होती है, और क्या होता है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब इसकी कहानी बताता हूं, पहले तो जुड़ जाइए, कितने जुड़ रहे हैं पहले इसको शेयर कर दो प्लीज। तो इसके अंदर बात करेंगे, लाइव चल रही है अपनी क्लास, तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब शेयर करेंगे सभी के पास, जो तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई की कर रहे हैं 2021 की, और आईआईटी जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की तैयारी केमिस्ट्री की उनके लिए, और एसीएफ फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के अंदर टॉपिक देखा है, यूनिट दे रखी है फॉरेस्ट रेंजर में, टॉपिक इंपॉर्टेंट है जी। तो यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्या हुआ इसका, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, किसका, कार्बन है। अब इसकी मैं स्ट्रक्चर की कहानी सुनाता हूं, किसकी, कार्बेनाइन की संरचना, इसकी संरचना क्या होती है, मैं उसकी स्टोरी सुनाना चाहता हूं, जरा ध्यान, इसकी कहानी क्या है, स्ट्रक्चर देखो जी, देखना जी इधर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन, कार्बेनाइन की संरचना, उसकी मैं आपको कहानी सुनाता हूं, बेसिकली इसकी कहानी क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। जितने जुड़ रहे हैं दोबारा जुड़ जाइए, जितने भी लाइव देख रहे हैं क्लास शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन, तो इसकी कहानी बताता हूं आपकी, इसकी स्ट्रक्चर की कहानी जरा ध्यान दीजिए एक बार, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है डिस्ट्रोटेड, डिस्ट्रोटेड टेट्राहेड्रल, यानी विकर्त चतुष्फलकीय, विकर्त चतुष्फलकीय। तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिस्ट्रोटेड है, ऐसे लगा दो, एक ऊपर क्या लगा दो यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। तो इसकी संरचना क्या होती है, शेप, इसकी आकृति क्या होती है, इसकी आकृति होता है पायरामिडल, जस्ट लाइक दैट अमोनिया, जस्ट लाइक दैट अमोनिया, यानी NH3 की तरह। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी जियोमेट्री की, जियोमेट्री की बात कर लेते हैं, इसकी जियोमेट्री की बात करेंगे। लाइव जुड़ जाए सभी, जितने भी जुड़ रहे हैं, पहले तो लाइव जुड़ते रहिए, 15 मिनट की क्लास है, 15 मिनट भी नहीं रह सकते आप एक जगह, एक जगह रहा करो, पहले देखा करो कैसा पढ़ा रहे हैं सभी टीचर, तो पहले तो सभी इसको देखा करो पूरी वीडियो को, आप चले जाते हो बीच में पता नहीं क्या चक्कर है तुम्हारा। यहाँ पे देखो जियोमेट्री, फड़ना है तो एक जगह ही फड़िए आप, शेप क्या है इसकी, पायरामिडल है, इसकी जियोमेट्री क्या है इसकी, जियोमेट्री मैंने बताई थी डिस्ट्रोटेड टेट्राहेड्रल, डिस्ट्रोटेड, डिस्ट्रोटेड, एमएससी के लिए प्रीवियस ईयर, एमएससी प्रीवियस ईयर के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, वहां पे राइट शॉर्ट नोट्स पूछेगा, जो जुलाई में एग्जाम हो सकती है, मे बी पॉसिबल जुलाई एंड अगस्त। तो यहां पे डिस्ट्रोटेड क्या बनेगा, यहां पे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो ये थी आज की अपनी कहानी, तो मैं कहानी को रिकॉल करता हूं, अभी तक मैंने लेक्चर के अंदर आपको क्या डिस्कस किया, मैंने बताया लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया पहले इसकी कहानी बताई, किसी कार्बन, कार्बन का नेगेटिव होता है, रिएक्शन के दौरान इन्हीं से आपकी मुलाकात होगी, फिर मैंने बताया कार्बेनाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बेनाइन कैसे बनता है, तो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, वहां पे विषमांश विखंडन होता है, तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। फिर मैंने बताया इसकी संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया मैंने, कार्बेनाइन के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, कार्बन है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, शेप क्या होती है इसकी, पायरामिडल, जस्ट लाइक दैट अमोनिया। फिर मैंने क्या, जियोमेट्री ऑफ इसकी, टेट्राहेड्रल। ये थी मेरी इतनी कहानी, कल अपन इसकी एक और मैं इसकी कहानी बताऊंगा, अब हम कल बताऊंगा, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन की मैं कहानी बताऊंगा, समझने से पहले आपको इसकी कहानी समझनी पड़ेगी, कल अपन टुमारो को इसकी डिस्कस करेंगे इसकी कहानी को। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो प्रीवियस लेक्चर जो मैंने कार्बोकैटायन कराया वो आप फट के आओगे पहले, और तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। केमिस्ट्री के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, नहीं केमिस्ट्री आपको बीएससी तक तो केमिस्ट्री आपके बहुत बढ़िया समझ में आएगी, लेकिन आप जब एमएससी में जाओगे तो वहां पे केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी, वहां पे एमओटी अप्रोच आएगा, किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। और जितने भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मजेदार मैं कंटेंट बढ़िया लेके आ रहा हूं, जितने भी मेरे पास ऑथेंटिक बुक है, जितने भी मैं यूट्यूब चैनल मैंने फॉलो कर रखी है, वहां पे बढ़िया कंटेंट दे रहा हूं आपको, जितने भी हैं। तो फर्स्ट ग्रेड वाले तो स्पेशल लेक्चर को देखेंगे, आईआईटी जेईई वाले
तो एसीएफ वाले थे फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर वाले, तो इसको देखेंगे। केमिस्ट्री का बहुत ही मजेदार और मस्त वाला टॉपिक चल रहा है, जितने भी चल रहे हैं मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट पूरे कराऊंगा, जितने भी छह कराए छह आते हैं एग्जाम के अंदर। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।